एक्चुअली मैं मॉडर्स नहीं बनना चाहती बट आई मीन सीरियसली आप कहाँ और मैं कहाँ. ओके अंडरस्टैंड दिस. सो यू आर बीइंग मीन टू मी. 5-6 साल हो गए पहली फिल्म कर ली अभी सब कुछ हो गया तो तुम ऐसी बातें कर रही हो. यू नो समथिंग यू नो दीपिका ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है. मैंने डिसाइड किया था जब मैं यहाँ पे आने वाला था कि मैं कोई भी टॉल गर्ल जोक्स तुम्हारे साथ नहीं करूंगा. लेकिन तुम जो है मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ थोड़े से टॉल गर्ल जोक्स कर ही लूं. मे आई प्लीज. यस यू मे. ऑल हाउ इज द वेदर अप देयर. मौसम कैसा है वहां पर. वेल शाहरुख बारिश हो रही है. I think that's extremely rude. बारिश हो रही है. You know, you might think I'm rude, पर जहाँ पे आप खड़े हैं आप मेरी आंखें भी नहीं देख सकते. मैं तुमको सच बताऊं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मुझे तुम्हारी आंखें देखने का कोई. Behave yourself. शौक नहीं. Okay, I'm sorry. जब दीपिका यहाँ पे आ रही थी तो उन्होंने एक शेर याद किया था मेरे लिए. तुम सबको वो शेर सुनाना चाहोगी. मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाउडर के दूध में जैसे मलाई नहीं आ सकती वैसे ही इस उम्र में आपको लंबाई नहीं आ सकती. मुझे भी कुछ लाइनें याद आ रही है हमारी फिल्म की कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. तो मैं कहूंगा ऊपर वाले पाउडर के दूध में थोड़ी सी मलाई डाल दे मेरे हक में भी थोड़ी सी लंबाई डाल दे. नहीं ऐसा मत करो यार. तुम ऐसा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा गंदा सा जोक आता है आयुष्मान भवा. सर आयुष्मान तो मैं पैदा होते ही हो गया था लेकिन एक्टर अब बनना चाहता हूं मैं. वेरी गुड. और मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी ने बोला था कि जाओ शाहरुख खान के पास जाकर एक्टिंग सीखो. मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यार कि लोगों की जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं और बीवी तुम्हारी दोनों हैं वो आके अपने बॉयफ्रेंड्स और अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि जाके शाहरुख से सीखो. खुद नहीं आती हैं यार. ये बड़ा इशू है मेरे साथ. लेकिन आई विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट. बट एक बात बताओ यार कि मैंने सालों से 20 साल से ये कुछ मैं फैमिली की और परंपरा हमारे जो रिश्तों की परंपरा होती है उसके बारे में फिल्म बनाता हूं. तुमने आते ही परंपरा तुमने तोड़ दी और फैमिली बढ़ाने की परंपरा पे फिल्म बनाई है तुमने. सर देखो आप कहीं से जाते हो तो क्या किंग खान की आवाजें आती है. हाँ आती है. किंग खान अच्छा लगता है. मैं जिस गली गली से जाता हूँ अब्बा जान की आवाजें आती है. एक पर्सनल टच होता है सर. बड़ा मजा आता है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. बोलो. इन्नी वड्डी इंडस्ट्री तुसी इन्ने वड्डे सुपरस्टार मतलब थोड़ा सा आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर दो ना. सर आप खुद सोचो सर मतलब इतने सारे शाहरुख खान होंगे मतलब जहां देखो राहुल राज समर विंटर सब हाथ ऐसे फैलाकर इंडिया का पूरा बॉटल तैयार हो जाएगा. मैं कर देता यार. क्या है मैं थोड़ा जो चैरिटी और डोनेशन है ना सबके सामने नहीं करता हूँ प्राइवेटली करता हूँ. तो आई एम सॉरी मुझे तुम्हें खाली डिब्बी भेजना पड़ेगा. व्हाट आई तुम दूसरे एक्टर्स तो है ना यार इतने सारे फिल्म इंडस्ट्री में इतने महारथी हैं तुम उनके पास नहीं गए. सर मैं हर जगह से धक्के खाकर आपके पास. आखिरी चॉइस हूँ. यू आर द लास्ट चॉइस बेबी. थैंक यू. दैट्स अ ग्रेट ऑनर. किस किस के पास गए थे. सबसे पहले आमिर खान के पास गया था मैं. क्या बोला उसने. उन्होंने बोला कि मुझे इसके लिए एक बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए. तो ये वांटेड अ बाउंड स्क्रिप्ट और मुझसे बोला उत्तरी यार उत्तरी ये सारा सीन रिक करके कैसे होगा ये. तो फिर क्या कहा तुमने. तो कुछ नहीं सर मैंने बोला कि मैंने क्या बोलना था. उन्होंने ही बोला उत्तरी यार 2 साल तक हम एक साथ रिहर्सल करेंगे उसके बाद ही होगा. तो सर रिहर्सल तो यार नहीं जमती यार. मेरे को भी नहीं जमती बिल्कुल यार. और इन बातों की रिहर्सल तो बिल्कुल ही नहीं जमती मुझको. यस. फिर किस एक्टर के पास गए तुम. उसके बाद मैं गया अक्षय कुमार के पास. अक्षय यार इतना विराइल है स्ट्रॉन्ग ही मैन एंड व्हाट एन एथलीट सर. व्हाट एन एथलीट. इस बिल्डिंग से लेके उस बिल्डिंग तक ऐसे जंप मार के जाते हैं हाई जंप लॉन्ग जंप. अक्षय सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सर डिब्बी रखूं कहाँ पे. बट रणबीर यार रणबीर मेरा दोस्त है इतना अच्छा और बड़ा गिविंग नेचर का है वो. ही इज जस्ट ऑसम सर. मतलब उनके वैनिटी के बाहर वो रौनक लगी होती है. हाँ प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी होती है. नहीं सर नहीं लड़कियों की लाइन. लड़कियों उन बेचारियों के हाथ में डिब्बी होती है. कईयों के हाथ में बाल्टियां भी होती है. क्या बदतमीजी बात कर रहा है तू यार. तो डिब्बी छोड़ के आया वहां पे नहीं छोड़ के आया. नहीं सर ऑलरेडी बहुत सारी डिब्बियां थी. बड़े युष्मान मैं बताना चाहता हूँ
कि ये इतने एक्टर्स के पास गए, एनी अदर एक्टर दैट यू वेंट टू एंड गॉट सीनियर एक्टर है, सीनियर एक्टर के पास भी गए, नाना पाटेकर जी के पास गया मैं, हां उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया सर, कंप्लीटली कंफ्यूज, क्या डिब्बी को देखा बोले इस डिब्बी को ध्यान से देख, ये हिंदू का है कि मुसलमान का, किसका है? ये अनसेक्युलर बातें हमको बिल्कुल जमती नहीं है। एवरीबॉडी लेट्स हेयर फॉर आयुष्मान मानस।